नमस्कार दोस्तों, मैं तेज जोशी बकरीज आपके बीच में एक एस्ट्रोलॉजिकल न्यू टॉपिक लेकर ये वीडियो में आपको मैं अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बुध 6 मार्च 2022 यानी कि कल राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएगा और वो कंजक्शन जो बनेगा वो सूर्य गुरु बुध का बनेगा। सबसे पहले बता दूं, 6 मार्च से लेके आपके पास 17 मार्च तक का समय है। अगर आप कुछ भी अच्छी चीजें करना चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, मैं नेगेटिव वे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ। कुछ भी अच्छा काम, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नई एजुकेशन, नया अपना कोई काम करना चाहते हैं, नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, बिल्कुल कर सकते हैं। शेयर मार्केट में बिल्कुल पैसा लगा सकते हो, पर अलग राशि पर अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, अगर किसी का ये राशि जो कुंभ राशि है, मान के चलिए अगर ये आपके 12th या 8th हाउस में आती है, जैसे अभी अगर मैं एक और टॉपिक बनाऊंगा इस पर पर्टिकुलर राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पर मैं अभी आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। किसी के अष्टम में 12वें में आए तो वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि उधर उनको नुकसान भी होने के ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। बाकी राशियों में देखा जाए, जिसका 5th हाउस से कहीं बुध का संबंध बन रहा है, 11th हाउस से बन रहा है, या 2nd हाउस से बन रहा है, 9th हाउस से बन रहा है, तो इधर लोगों को फायदा मिलने के ज्यादा चांसेस है। क्योंकि देखिए, सूर्य बुध गुरु, सोल सूर्य यानी आत्मा, बुद्ध यानी बुद्धि हमारा ब्रेन, और अगर हम गुरु की बात करते हैं तो वो विजडम ज्ञान का कारक है। तो तीनों चीजें मिल जाएंगी तो इंसान की एक समझ शक्ति बढ़ेगी, और अगर वो अपने प्लानिंग के साथ चीजें करेगा तो उसको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। शेयर मार्केट में फायदा होगा 6 मार्च से लेकर 17 मार्च तक, उसके बाद का जब बुध दस्त होंगे फिर ये मार्केट नीचे जाएगा, और अभी भी मार्केट में जो दाम है एकदम से थोड़ा अप एंड डाउन वाला रहेगा, पर जैसे ही बुध अस्त होंगे फिर एक अलग रिजल्ट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। देश और दुनिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको ये बात बता दूं, आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी कि देश और दुनिया में अगर अभी मैं देखूं तो ये जो अभी वाद विवाद चल रहा है रशिया और अपना यूक्रेन का, तो इसमें ये चीज एक पॉजिटिव तरीके से भी काम करेगी थोड़ी, क्योंकि जो अभी क्या था, बुध के साथ शनि का संबंध था और थोड़े नेगेटिव प्लैनेट कंजेक्ट हो रहे थे, मंगल ये भी कंजेक्ट था, तो क्या होता है बुद्धि घुमा देता है, जैसे बुद्ध मंगल गए होता है बुद्ध शनि का, तो व्यक्ति की बुद्धि में एक अलग ही अलगाव सा पैदा हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। अब ये कंजेक्शन हटाए, अब बुद्ध सूर्य अच्छे ग्रहों के साथ है, सूर्य गुरु, तो उधर एक स्टेबल हो जाता है माइंड व्यक्ति का, व्यक्ति सोच समझ कर निर्णय लेता है, हड़बड़ी में काम नहीं करता। तो ये चीज जरूर होगी कि इस रशिया यूक्रेन के बीच में जो वाद विवाद है उसका कोई डिसीजन बाहर निकाल के आए, कोई डिसीजन मतलब जो ये वाद विवाद को रोकने के लिए कोई डिसीजन आए, तो ये चीज भी देखने को शायद मिल सकती है आप लोगों को। बॉलीवुड की तरफ से अगर देखा जाए तो एक कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल के आ सकती है, और बाकी अगर पॉलिटिशियन के हिसाब से देखें तो पॉलिटिशियन के हिसाब से भी ये समय थोड़ा नेगेटिव है, पर हाँ थोड़ा ध्यान रखना किसी अपने पॉलिटिशियन को, अपनी सेहत का भी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।